हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऐश लॉजिक के यूट्यूब चैनल पे। मैं हिमांशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे, पूरी उम्मीद है मुझे। भगवान आप सभी का काम धंधा बढ़िया से चलाए। फ्रेंड्स, मेरे पास आज एक फ़ोन है सैमसंग का M31। ये मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया है। इस फ़ोन में फॉल्ट जो है वो मैं आपको आज पूरा प्रॉपरली दिखाऊंगा। इस तरह का फॉल्ट आपके शॉप पर भी आता होगा, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, सैमसंग का हो, ओप्पो, वीवो, रेडमी, किसी भी ब्रांड में ही फॉल्ट आ सकता है। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई भी मोबाइल आता है जिस पर किसी शॉपकीपर ने ऑलरेडी वर्क वगैरह किया हुआ है, तो इस तरह के फ़ोन को किस तरीके से रिपेयर करना चाहिए, ऐसे मैंने बहुत सारी वीडियोज़ पहले भी डाली है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि इस तरह के फ़ोन को आप किस तरीके से टेस्टिंग करें, फॉल्ट फाइंड करें, कि किस तरीके से आपको, मतलब स्टेप बाय स्टेप पूरा बताने वाला हूँ। तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। और जिन भाइयों को अब हमारा नेक्स्ट बैच ज्वाइन करना है तो बुकिंग स्टार्ट हो गई है। नीचे दिए गए कॉल नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, डायरेक्टली आपकी बात मेरे से होगी। बस कॉलिंग का समय आप 5-6 बजे के बाद रखें और व्हाट्सएप आप कभी भी करके छोड़ सकते हैं, मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा। आप कॉल बैक का रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं आपको व्हाट्सएप पे ही डिटेल्स चाहिए तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी मुझे डम कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए मैं आपको इस फ़ोन का फॉल्ट दिखाता हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी वर्क हो चुका है इस फ़ोन पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी चार्जिंग पोर्ट की रीडिंग दिखा देता हूँ कि क्या रीडिंग है इसके चार्जिंग पोर्ट की। अभी देखिए मैं चार्जिंग में इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चार्जिंग में कनेक्ट करने के कुछ, मतलब 10-5 सेकेंड के बाद ये कुछ एम्पेयर का लोड लेता है। अभी आप देखते रहिए, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया है इसको। ये देखिए ये 1 एम्पेयर ले रहा है, ठीक है, 1.1 ऐसे करके, ठीक है, ये आ रहा है पूरा, ठीक है। ये देखिए 1.1 एम्पेयर की रीडिंग ले रहा है, ठीक है। स्क्रीन पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा स्क्रीन के ऊपर। तो अब मैं इस फ़ोन को ओपन करता हूँ, ठीक है, और आपको दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन है इसके बोर्ड की और कहाँ कहाँ काम हुआ है। तो वीडियो को प्रॉपरली आप देखिएगा। फ़ोन को ओपन करके मैं आपको डिटेल में पूरा बताऊंगा, तो आपको इस वीडियो से ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आपका लाइक और कमेंट जब ज़्यादा से ज़्यादा आता है तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा भी मन करता है कि हाँ हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ और नॉलेज शेयर करें, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल भी कोई कंजूसी नहीं करेगा, ठीक है। ऊपर वाला सभी को मेहनत का फल देता है और आप लोग एक फैमिली हैं हमारे, जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो ऑलरेडी हैं वो तो जानते हैं कि आपको कितनी नॉलेजेबल और वैल्यूबल वीडियोस मिलती है। तो आपको भी अगर कोई फ़ोन वगैरह रिपेयर करवाना है, कोई शॉपकीपर है या कोई कस्टमर है जिसका फ़ोन रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो मुझसे संपर्क कर सकता है। और जिनको कोर्स करना है, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, चाहे वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, वो भी हमसे संपर्क करें और अपना बैच शेड्यूल करवाएं और बैच स्टार्ट करके अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाएं, या नया बिज़नेस सेटअप करने का अगर सोच रहे हैं मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में आने का, तो सभी का वेलकम। अपने यहाँ पर एक्सपीरियंस होल्डर और फ्रेशर दोनों को ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग मैं खुद देता हूँ। यहाँ पर कंप्लीट मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि स्टूडेंट किसी भी प्रकार के कोई भी फॉल्ट, डेड मोबाइल, नेटवर्क प्रॉब्लम, चार्जिंग प्रॉब्लम, सभी तरह के प्रॉब्लम, पूरा कोर्स का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है। अगर आपको सिलेबस और डिटेल्स और कोर्स की फ़ीस वगैरह जाननी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, ठीक है। बाहर से आने वाले स्टूडेंट के लिए रहने खाने की पूरी सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।
फ़ोन पे डेट लिखा हुआ है और डेट लिखा हुआ है जब भी टेस्ट हुआ हुआ है इसका, 24/9/24 की टेस्टिंग की हुई है, यानी जिसके पास भी पहले गया होगा मेरे से पहले। तो मैं इसके नट वगैरह स्क्रू वगैरह ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं इसको आपको डीसी चार्जिंग पोर्ट पे और डीसी मशीन दोनों पे दिखाऊंगा कि क्या रीडिंग है, जिससे कि आपको डीसी मशीन की रीडिंग से फॉल्ट पता करना आ जाए। ये देखिए बोर्ड की कंडीशन, बोर्ड की कंडीशन मैंने आपको जूम करके भी दिखा दी है। बोर्ड पे इस एरिया पे तो पूरा वर्क हो चुका है जो देखने में आ रहा है। अब मैं इसको आपको एक बार चेक करवाता हूँ, सबसे पहले चार्जिंग पोर्ट पे चेक करवाता हूँ। ये देखिए मैंने चार्जिंग पे लगाया तो थोड़ा सा ये टाइम लेता है, टाइम लेने के बाद ये कुछ एम्पियर वगैरह शो करेगा। थोड़ा सा वेट करिए, देखिए क्या होता है, आप लोग जस्ट लगाते हैं और तुरंत निकाल देते हैं, तो इतना भी जल्दी आपको नहीं करना है कोई भी काम में, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करें। जब भी आप टेस्टिंग वगैरह करते हैं डीसी मशीन पर भी, मैंने बहुत सारे जो स्टूडेंट्स मेरे पास सीखते हैं या सीखने आते हैं उन्हें एक्सपीरियंस होता है, और वो एक बार पावर बटन दबा के डिसाइड कर लेते हैं कि रीडिंग नहीं ले रहा है या रीडिंग ले रहा है वापस आ जा रहा है, दो तीन बार कन्फर्म करके ही कोई काम करना है। ठीक है, ये देखिए 1 एम्पेयर ले रहा है। ठीक है, ये चार्जिंग पोर्ट यहाँ लगा हुआ है, 1 एम्पेयर। ठीक है, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट पर ये देखिए। ठीक है, अब देखिए अगर छेड़ा वो बोर्ड आता है आपके पास तो आप बैटरी का पत्ता रिमूव करके चार्जर ज़रूर लगा के देखें। जैसे देखिए अभी कोई रीडिंग नहीं चल रही है। ठीक है, अब इसका थोड़ा वोल्टेज चेक करते हैं बैटरी कनेक्टर पर कि क्या वोल्टेज बन रहा है। ये देखिए वोल्टेज यहाँ फ्लक्चुएट कर रहा है, मीटर आ रहा है, ये देखिए वोल्टेज यहाँ फ्लक्चुएट कर रहा है, ये देखिए मीटर पे जो वोल्टेज है वो कभी 4 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 1.5 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, इस तरीके से वोल्टेज की फ्लक्चुएशन हो रही है। ठीक है, और सबसे कमाल की बात अभी देखिए कि बैटरी का पत्ता नहीं लगा हुआ है। ठीक है, बैटरी का पत्ता नहीं लगा हुआ है, ये देखिए बैटरी का पत्ता नहीं लगा है और एम्पियर रन कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं एम्पियर रन कर रहा है, ये देखिए एम्पियर रन कर रहा है।
और तुरंत नहीं करता है ये रन, कुछ टाइम बाद रन करता है। ये हमने बैटरी लगे हुए पे भी देखा था। तो वोल्टेज के फ्लक्चुएशन है, देखिए एम्पियर चल रहा है, अब बैटरी का पता देखिए मैंने हटा दिया है, फिर भी 1 एम्पियर स्टोर करवा रहा है। तो बैटरी अगर नहीं लगी हुई है तब कभी भी एम्पियर का कंजम्पशन नहीं आना चाहिए, ठीक है, डीसी चार्जिंग पोर्ट पर। अगर आता है तो इसका मतलब है फ़ोन के अंदर में शॉर्टिंग है, ठीक है। तो बोर्ड की कंडीशन तो आपने देख ही ली है, एक बार और आपको मैं बोर्ड की कंडीशन दिखवा देता हूँ। ये देखिए बोर्ड की कंडीशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है बोर्ड की, ठीक है। तो अब हम इसको डायग्नोस करेंगे, फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, फॉल्ट ट्रेसिंग करेंगे। आप लोग जिस किसी वर्ड से समझते हैं समझ जाइए, ठीक है। तो अब मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ बोर्ड को। कंडीशन आपकी बोर्ड की जो है, मतलब इस बोर्ड की जो कंडीशन है आप लोगों को मैंने दिखा दिया है। एक बार डीसी रीडिंग भी आपको दिखा देता हूँ मैं कि डीसी मशीन का क्या रिस्पॉन्स है। बैटरी कनेक्टर का एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे कि A50 जो होता है उसमें भी सेम इसी तरीके का बैटरी कनेक्टर लगता है, लेकिन उसमें प्लस इस साइड है और माइनस इस साइड है। इसमें बैटरी का पत्ता आपको उल्टा लगाना है, यानी डीसी में जो बूट केबल होता है उसका पत्ता आप उल्टा लगाएं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, देख लीजिए कई बार उल्टा आप मतलब उल्टा सीधा देखते नहीं हैं और लगा देते हैं और फ़ोन में शॉर्टिंग हो जाती है। ये देखिए इस साइड पर वैल्यू है और इस साइड पर 0 0 है, यानी इधर वाला ग्राउंड है और इस साइड वाला प्लस है। तो अगर इधर प्लस होता तो हम सीधा ही लगाते, लेकिन इसमें उल्टा लगेगा, ठीक है। तो जिनको बिल्कुल स्टार्टिंग रहता है, बिगिनियर है, उनको इन बात का ध्यान रखना चाहिए, एक्सपीरियंस को भी रखना चाहिए। ये देखिए यहाँ मैं जैसे ही लगा रहा हूँ, ठीक है, 0 0 हो जा रहा है, ठीक है, यानी डीसी मशीन इसको शॉर्ट बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कहीं शॉर्टिंग हो रही हो सकती है, एक बार दोबारा चेक करते हैं, लेकिन नहीं, देखिए ये जब कनेक्ट कर रहे हैं अभी नहीं आ रहा। चलिए पावर बटन को प्रेस करते हैं, सही से कनेक्ट नहीं हुआ होगा, यानी जैसे ही हम सही से इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर बोर्ड में शॉर्टिंग जो है वो ये डीसी मशीन भी पकड़ ले रहा है, ठीक है। तो फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग है, देखिए कनेक्ट करते ही शॉर्टिंग आ जाती है, ठीक है, आपके सामने है। अब इसको रिमूव कर देते हैं। अब बोर्ड को बाहर निकाल लेता हूँ, इसका फ्रंट कैमरा अभी इसमें नहीं है। सिर्फ मेन कैमरे का सेटअप है, फ्रंट कैमरा मिसिंग है। पीछे की कंडीशन ठीक है, नहीं काम किया गया पीछे। जो किया गया है
आगे के सेक्शन पर काम किया गया है इस साइड। अब इसकी टेस्टिंग हम प्रॉपर्ली करेंगे। तो देखिए, जब शॉर्टिंग का केस होता है तब हमें स्केमेटिक डायग्राम वगैरह की ज़्यादा नीड होती नहीं है। मेनली हमें नीड तब रहती है जब हमें फॉल्ट फाइंडिंग करनी हो और शॉर्टिंग वगैरह फ़ोन में ना हो, ठीक है। यानी बिना स्केमेटिक के आप शॉर्टिंग वगैरह ढूंढ सकते हैं, उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि स्केमेटिक हो। मीटर को मैंने बीप पे कर दिया है, ठीक है। अब इस साइड आ जाइए कैमरे को लेकर। ये अभी बीप की रेंज पर है। इस कैप के देखिए, कैप के एक साइड तो बीप आएगा ही, दोनों साइड नहीं आने चाहिए। तो मैं मेन मेन जगह पे पहले लगा के देखूंगा, फिर जीआर टेस्टिंग भी आपको डायोड की रेंज से चेक करवाऊंगा। इस कॉइल पर बीप है, इस कॉइल पर भी बीप है, उधर ठीक है, इधर भी बीप नहीं है, इधर भी बीप नहीं है। अब डायोड की रेंज से चेक करवाता हूँ आपको। देखिए जीआर आ रहा है, इस कैप पे भी जीआर है, इस कॉइल पे भी जीआर है, इस कॉइल पे भी जीआर है, इस वाले कॉइल पे भी जीआर है, इस वाले पे 0006 है, शॉर्ट दिखा रहा है। इसमें भी देखिए 0006 है, शॉर्ट दिखा रहा है, 0068। अगर दो डिजिट में भी बक लाइन पे आपको जीआर वैल्यू आती है तो ठीक है, शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तीन डिजिट और दो डिजिट ओके होगा। अगर एक डिजिट में आएगा जैसे यहाँ आ रहा है तो ट्रैक शॉर्ट होने के पूरे पूरे 99% चांस है। फिर भी आप हॉट टेस्टिंग में वोल्टेज टेस्टिंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर शॉर्टिंग है, तो ये दोनों लाइन्स जो हैं यहाँ पर, ठीक है, सैमसंग के जो 9610 प्रोसेसर एक्जिनोस और 9611, ये सेम ही प्रोसेसर है, कोई भी फ़र्क नहीं है, ठीक है। 9611 9610, ठीक है। तो इसमें 9611 वाला जो प्रोसेसर है, इसमें A50 M31 M30S बहुत सारे मॉडल में, M21 बहुत सारे मॉडलों में, तो सेम ही पावर IC सब कुछ सेम ही है लगभग लगभग। बस ICO की थोड़ी बहुत लोकेशन चेंज की गई है और कोई फ़र्क नहीं रहता है, ठीक है। तो ये दो लाइन्स शॉर्ट आ रहे हैं। अब हमें ये पता लगाना होगा कि शॉर्टिंग IC से है या IC के बाहर से है। तो शॉर्टिंग को कैसे आप कंफर्म करेंगे? देखिए, शॉर्टिंग किसी भी सेक्शन में दो ही तरीके से हो सकती है। अगर IC में शॉर्टिंग हुई तो उसको आप इंटरनल शॉर्टिंग कह सकते हैं। अगर IC के बाहर शॉर्टिंग हुई, मतलब कोई ट्रैक में कॉम्पोनेंट शॉर्ट है, तो उसको आप एक्सटर्नल शॉर्टिंग कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें ये दो लाइन शॉर्ट मिल रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले हमें इन दो कॉइल को रिमूव करना होगा बोर्ड से, ठीक है। ये अब यहाँ पर हम क्यों चेक कर रहे हैं? जब भी आपको DC मशीन बीप साउंड दे या बिना बैटरी लगाए आपको शॉर्टिंग मिले, तो या तो चार्जिंग सेक्शन शॉर्ट होता है या पावर सेक्शन। तो इस वाले सेक्शन को तो छेड़ा ही नहीं गया, तो इसलिए इसको ओपन करने का कोई मतलब नहीं है अभी फ़िलहाल। हम जहाँ छेड़ा गया है, जिस पर काम किया गया, हम उसी पर काम करके देखने वाले हैं। तो चलिए, अब मैं आपको इस कॉइल को रिमूव करता हूँ और उसके बाद इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो हम इस कॉइल को रिमूव करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा प्रोटेक्शन यहाँ पर कर देंगे, क्योंकि बगल में UFS चिप है और पावर IC भी है, तो कवर अप करना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट हीट से बचाना IC को। उसमें भी माइक्रोन की UFS चिप लगी हुई है, जो कि बहुत ही हल्की क्वालिटी की होती है, हीट से भी ख़राब हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर कवर अप कर दिया है। अब थोड़ा सा फ्लक्स यहाँ पर रखेंगे और दोनों कॉइल्स को रिमूव करेंगे। ये दोनों जो हैं बक वोल्टेज है CPU की, जो ये लाइन है, आपको मैं
स्केमेटिक में भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो, अगर मुझे याद रहा तो मैं आपको स्केमेटिक में दिखा दूंगा। ये दोनों लाइंस सीपीयू को जाती है, क्योंकि ये मॉडल बहुत ही कॉमन मॉडल है जो कि डेड होके आता है काफ़ी टाइम से मार्केट में, बहुत सेल हुआ हुआ मॉडल है। A50, M31, M31S ये सब बहुत ज़्यादा बिके हैं मॉडल। ठीक है, तो देखिए मैंने ये दोनों कॉइल्स को रिमूव कर दिया है। अब इसको डायोड के रेंज से हम चेक करेंगे आईसी के बोथ साइड कि किस साइड पर वैल्यू है या किस साइड पर शॉर्टिंग है। तो यहाँ देखिए मैंने कर दिया कैमरे में मीटर और ये टेस्टिंग वाली जगह आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 00 यानी शॉर्टिंग इस साइड पर आ रही है। ठीक है, बीप के रेंज से चेक करते हैं तो 0303 आ रहा है। ठीक है, डॉट के साथ। और जब इसको डायोड के रेंज से हम चेक कर रहे हैं तो ये 0.005 यानी शॉर्ट दिखा रहा है, इधर पर 0.006 आ रहा है, इस साइड देखिए 0. तो दो डिजिट में आ रहा है, थोड़ी रीडिंग बढ़ रही है क्योंकि बोर्ड थोड़ा गर्म है। प्रॉपरली इसको ठंडा होने पर इसकी असली जीआर वैल्यू का पता लगेगा, लेकिन यहाँ पर इस साइड पर जो 00 आ रहा है यानी इस साइड पर जो शॉर्टिंग शो हो रही है, तो ये एरिया जो है मतलब ये वाला साइड जो है पावर आईसी से कनेक्टेड है, तो ये आईसी की इंटरनल शॉर्टिंग बता रहा है। ठीक है, और एक्सटर्नल साइड पे देखिए ओरिजिनल जीआर वैल्यू की तरफ ये बढ़ रहा है। ठीक है, 3 डिजिट में आ चुका है वैल्यू और यहाँ पर 2 डिजिट में है, तो 2 डिजिट का भी जीआर ओके रहता है बक लाइन में, शॉर्टिंग ना माने उसको। ठीक है, ये देखिए तो इस साइड पर मतलब सीपीयू के साइड से शॉर्टिंग नहीं है या ट्रैक का कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट नहीं है, ये कंफर्म हो चुका है, पावर आईसी से ही शॉर्टिंग है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले अब हम इसके पावर आईसी को रिमूव करेंगे और उसके बाद देखेंगे शॉर्टिंग इस जगह से जाती है या नहीं। ठीक है, ये बाद में मैं आपको स्केमेटिक के थ्रू भी दिखाऊंगा, तो बने रहें, वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको पूरा नॉलेज पूरा ज्ञान मिल सके और इसको एब्जॉर्ब करें और अपने काम में इम्प्लीमेंट करके अपना ज्ञान को और बढ़िया करें और दुरुस्त करें। ठीक है, और जिनको भी मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना है वो मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर ये सोच के बैठे रहोगे जीवन भर कि मैं जाऊंगा तो मेरा 20-25 दिन दुकान बंद रहेगा, इनकम कम होगी, तो ये सोचिए अगर नहीं जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी इनकम ही बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा आपको। अगर आप इस चीज़ को नहीं सोचोगे तो फिर जो आपके कंपटीशन में शॉप्स होंगी वो आपसे बहुत आगे चली जाएगी, और फिर जब आगे चली जाएगी तो आपको भी मालूम है कि रिकवरी करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अब वो टाइम है जब ग्राहक किसी दूसरे दुकान से जुड़ जाएगा तो फिर वो आपके पास पता नहीं कब आएगा या आपका मौका कब आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कि कोई भी बॉल आपस में कनेक्टेड नहीं है, सबसे पहली बात कि कोई भी बॉल कनेक्टेड नहीं है, यानी अगर बॉल कनेक्टेड होता तो हम एक पल को मान सकते थे कि शॉर्टिंग बॉल के कनेक्टेड मतलब कनेक्ट होने की वजह से है। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको, वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी, पूरा नॉलेज मिलेगा जिससे कि आप शॉर्टिंग को आज अच्छे से समझ जाएंगे। ये देखिए मीटर को मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है, मेरी कोशिश है कि आपको पूरा ज्ञान मिले। ये देखिए इस साइड पे जो 00 हो जा रहा था वो 00 अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर कोई बॉल कनेक्टेड रहता है, जैसे मैं आईसी रिमूव कर दे के यहाँ रखा है मैंने, ठीक है, इस जगह पर, तो अगर कोई बॉल आपस में मिली हुई होती तो यहाँ पर हमें अभी भी शॉर्टिंग मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो निकालने के टाइम पर मुझे दिख गया कि कोई भी बॉल कनेक्टेड नहीं है, तो देखिए शॉर्टिंग हट गई है, यानी ये आईसी ही शॉर्ट है। तो किसी ने भी क्या ट्राई किया होगा कि आईसी को निकाला, रिवॉल्व करके डाला, शॉर्टिंग नहीं गई तो शायद छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, जिस वजह से जो वो पैसा कमा सकते थे वो नहीं कमा पाए। ठीक है, ये नॉलेज ज्ञान का अभाव है, अगर ज्ञान होता तो वो इसको रिपेयर कर देते। 150-200 रुपये की आईसी आती है, किसी भी स्क्रैप बोर्ड से निकाल के इस कॉमन पावर आईसी को चेंज करके पैसा कमा सकते थे, जो कि नहीं किया गया है। देखिए दोनों जगह पर भी
नहीं, और इधर पे तो आपको मैंने दिखाई दिया है कि जी आर वैल्यू दोनों साइड आ रही है, ठीक है। हिटिंग की वजह से थोड़ी जी आर वैल्यू का फ़र्क हो जाता है। तो अभी जो मैं बॉल कनेक्टेड की बात कर रहा, कोई भी बॉल कनेक्टेड नहीं है। अगर कनेक्टेड होता तो उसको डिशोल्ड करते तब शॉटिंग यहाँ से जाती, लेकिन बिना डिशोल्डरिंग करे यहाँ पे अगर बीप नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आईसी ही शॉर्ट है। तो आपको दोबारा वो आईसी लगा के देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम होगा, ठीक है। अब मैं इसको क्लीन करके आपको दिखाता हूँ। अभी मैं क्लीन करके दिखाऊंगा आपको कैमरे में जूम करके। ये देखिए, अब मैं अपने हाथों से आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा प्रतीक्षा करें। ये देखिए, कोई भी बॉल कनेक्टेड नहीं है। मैं यही बात आपको समझा रहा था। आप लोगों का बहुत बार सवाल आता है कि सर कैसे पता लगेगा कि आईसी शॉर्ट है या कोई कंपोनेंट शॉर्ट है, तो इस वीडियो को देखें और प्रीवियस वीडियो जो है शॉर्टिंग के टॉपिक्स के ऊपर उन वीडियोज़ को भी चेक करें, जिससे कि आपको नॉलेज मिले ऐसी जिससे कि आप पैसा कमा सकें, क्योंकि ज्ञान से ही पैसा है। देखिए, कोई भी बॉल कनेक्टेड नहीं है। अगर बॉल कनेक्टेड होता और डिशोल्डरिंग करने पर शॉर्टिंग जाती, यानी कहने का मतलब जो मैं ज्ञान देना चाहता हूँ, देखिए उसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को, अगर यहाँ पर कोई भी बॉल आपस में कनेक्टेड होता और मैं आयरन से डिशोल्ड करके तब यहाँ पर जीआर मतलब यहाँ पर मैं चेक करता शॉर्टिंग जाती, तो इसका मतलब होता हम वही आईसी वापस लगा सकते हैं, यानी आईसी शॉर्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई भी बॉल कनेक्टेड नहीं है और आईसी लगी हुई थी बिल्कुल प्रॉपरली और यहाँ पर शॉर्टिंग आ जाती है, इसका मतलब है कि आईसी ही शॉर्ट है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, अब हमें इस आईसी को हटाना है और इसकी जगह दूसरा लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए अब मुझे दूसरी आईसी चाहिए। तो मेरे पास A50 का बोर्ड पड़ा है, उसकी आईसी मैं इसमें रिप्लेस कर दूंगा। आप वीडियो में कंटिन्यू रहें, वीडियो को बिल्कुल भी पॉज मत करिएगा, मैं बोर्ड लेकर आता हूँ स्टूडेंट्स की तरफ से। मैं तुरंत आया। ये देखिए, ये A50 है। पर क्या रहता है, यहाँ पे UFS चिप इस जगह आ जाता है और A50 में CPU के साथ में आता है। ये थोड़ा सा फर्क है, लेकिन पावर IC सेम रहती है, ठीक है। अभी मैं इसको साफ करके आपको इसका कोड भी दिखाऊंगा। ये देखिए, ये वो आईसी है जो हमने अभी M31 से निकाला है, यानी M315 से निकाला है। अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ, इसका नंबर। जूम करिए थोड़ा इसको।
आई होप आपको नंबर दिख गया होगा। मैं आपको टीवी की स्क्रीन पर दिखा देता हूँ अच्छे से। यहाँ पकड़ के रखिए इसको, आप हाथ मत लगेगा, मैं दिखा दूंगा। ये देखिए, इसको सीधा कर लेता हूँ मैं। देखिए S537, ठीक है। अब A50 में जो होता है उसका नंबर आपको दिखाता हूँ। गंदी कंडीशन, इसको साफ करते हैं पहले। ये देखिए S537, हम ये A50 के बोर्ड से उतार के लगाने वाले हैं। ये IC आइडेंटिफिकेशन के लिए बोर्ड है, इस बोर्ड से मैं इसमें इसको रिप्लेस करने वाला हूँ, ठीक है। डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। ये भी दिखा देता हूँ आपको, देखिए दोनों बोर्ड में काफ़ी सिमिलैरिटी रहती है, ठीक है। और हम इसके स्केमेटिक में भी इसका डायरेक्शन देख लेंगे, क्योंकि कई बार कुछ लोग उल्टा लगा देते हैं IC को, तब भी IC शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। अब मैं इस IC को उतार के और इसमें लगाऊंगा। IC हमने उतार ली है। बाद में इस पे IC लगा देंगे हम, पहले अपना काम पूरा कर लेते हैं। इसको अब एक बार मुझे डिशोल्ड करना होगा, रिवॉल्व करके फिर इसको हम जगह पर लगा देंगे। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखें। मैं हमेशा, मेरी जो वीडियोस होती है वो आपको लॉन्ग मिलती है, और अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको लाइव क्लास में सीखने का अनुभव मिलेगा। जो 5 मिनट वाली वीडियो होती है उसमें सिर्फ ये होता है कि ये खराब है और ये ठीक हो गया, कैसे हुआ ये सब नहीं सिखाया जाता है।
टीवी की स्क्रीन का देखिए, रिकॉर्डिंग ठीक आ रहा हो तो वहीं से कर लीजिए। यहीं से कर लीजिए, ऐसे पकड़िए, ऐसे थोड़ा बहुत दूर से भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, बस आप अपना कंफर्टेबल देख लीजिए। अब हम आईसी को डिसोल्ड करने वाले हैं। अब इसको रिवॉल्व करना है। देखिए रिशोल्ड हो चुका है, ये रिवॉल्व होने के लिए रेडी है। अभी इसको रिवॉल्व करूँगा मैं। देखिए इस वाले खांचे में ये रिवॉल्व हो जाएगी। ये खांचा जो होता है यूनिवर्सल का, ये हमेशा ध्यान रखना कि बिल्कुल 100% सेम नहीं होता। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है अल्टरनेट ऑप्शन। देसी भाषा में आप लोग इसको जुगाड़ कहते हैं, इंग्लिश में इसको टेक्निक कहते हैं। कस्टमर को कभी भी ये ना कहें कि आप जुगाड़ करेंगे, आप ये कहें कि आप अपने नॉलेज का प्रयोग करके उसको सही करेंगे। आपके वर्ड जो होते हैं वो बहुत कुछ डिसाइड करते हैं। अभी पीपीडी में सुखा रहा हूँ। दिख रहा पूरा,
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल एक्सटेंशन से रिबॉलिंग नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे कॉमन मिस्टेक होते हैं जो कर देते हैं जिसके वजह से उनके बॉल्स नहीं बन पाते हैं। अब ट्वीज़र को इस पे होल्ड कर दिया है हमने, और हिटिंग सेल्सियस जो होता है वो 250 से लेकर 270-280 के बीच में आप कहीं भी सेट कर सकते हैं। ये रिबॉल हो गई है, पहले इस जगह के एक्स्ट्रा शोल्डर को मैं हटा देता हूँ, फिर आपको मैं चेक करवाता हूँ। थोड़ा सा फ्लक्स उसके ऊपर रख के उसको गर्म ज़रूर करेंगे हीट करके, ठीक है। अब इस पर थोड़ा सा फ्लक्स रखेंगे फिर से, यहाँ पर एक बॉल जो है उसको हिट करके मुझे अलाइनमेंट उसकी फ़िक्स करनी है। 100% एक्यूरेट नहीं है वो, नहीं होगा तो दोबारा रिबॉल करना पड़ेगा, लेकिन ये हिटिंग से हो जाता है सही। अब इसको बोर्ड में लगा देंगे। ठीक है, चलिए बोर्ड में लगाते हैं इसको।
बोर्ड को थोड़ा सा डिसोल्ड कर देंगे और जो कंपोनेंट थोड़े एक दो इधर उधर हैं उनको सही से बिठा देंगे। हाँ, इसे निकालते टाइम में कंपोनेंट थोड़ा सा हिल गया है, इसको सीधा कर देता हूँ मैं। अब हमें डिशोल्डरिंग का प्रोसेस करना है। यहाँ से आईसी निकाली हमने M31 में, ये दोनों कॉइल भी अब हम पहले लगा देंगे आईसी को लगाने से पहले, जिससे कि बाद में ऐसा ना हो कि कंपोनेंट लगाने में बहुत बार बॉल्स मिल जाती हैं या हिल जाती है। पहले ही आईसी लगा लेनी है, सॉरी कंपोनेंट लगा देना है, उसके बाद आईसी लगाना। ये जो दो कॉइल्स हमने निकाले थे शॉर्टिंग के केस के स्टडी करने के लिए, ये दोनों ही बक कॉइल्स हैं। अब बोर्ड पे हमें आईसी को फिक्स कर देना है।
आईसी को फिक्स करने के लिए थोड़ा सा फ्लक्स हमें डालना होगा इस पर। अब आईसी को मैं लगाने जा रहा हूँ। देखिए बबल आने का वेट करेंगे, जब बबल आ जाएगा तो सीधे मोबाइल ट्वीज़र से हल्का सा पुश देंगे। देखिए हल्का सा पुश दिया, आईसी अपनी लोकेशन पर आ जानी चाहिए। आईसी कंफर्म 100% लग गई है। अब थोड़ा सा बोर्ड का ठंडा होने का वेट करेंगे। इधर आ जाइए, अब थोड़ा यहाँ पर दिखाइए बोर्ड और मीटर ऐसे लग गई है, दोनों कवर हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जीआर आ गई, पहले यहाँ पर जीआर नहीं बन रहा था, अब यहाँ पर जीआर बन रही है। ठीक है, अब दूसरे वाले पे देखिए, इस पर भी पहले जीआर नहीं बन रहा था, अभी जीआर बन रही है। वो बोर्ड हीट है इस वजह से जीआर अभी, बाकी दो डिजिट में जीआर आने पर ओके होता है। ठीक है, तो चलिए अभी ये देखिए जीआर बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं जीआर बढ़ रहा है, तीन डिजिट में आ चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो डिजिट में है लेकिन ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, यहाँ पर अभी दो डिजिट में था। ये देखिए यहाँ पर 44 था तो वो है ही जितना था, यहाँ पर 197 हो गया, यहाँ पर भी जीआर 42 पर आ गया है। ठीक है, चलिए ये अपना बिल्कुल सक्सेसफुली यहाँ तक की हो चुकी है। अब इसको साफ करके इंस्टॉल करते हैं डिस्प्ले के साथ, फिर टेस्ट करते हैं इसको, एक बार क्लीनिंग अच्छे से करेंगे। क्योंकि अगर क्लीनिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो यही फ्लक्स वगैरह फिर से फ़ोन को डेड कर देंगे, क्योंकि जब फ़ोन चलता है तो हीट होता है और ये मेल्ट हो जाते हैं पेस्ट।
हीटिंग से और फिर फ़ोन डेड हो जाता है ग्राहक का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छे से क्लीनिंग करनी है। ठीक है, तो देखिए हमने ये A50 से निकाल कर M31 में डाल दिया, यानी एक स्क्रैप बोर्ड जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, इस वाले बोर्ड से निकाला हमने और उसको M31 में लगा दिया। ठीक है, तो अभी जो है चार्जिंग पे लगा दिया है। ठीक है, ये देखिए चार्जिंग इंडिकेशन भी हल्की से आ गई है। ठीक है, ये देखिए चार्जिंग चलने लगा है, चार्जिंग चलने लगा है, तो फ़ोन हमारा जो है वो ऑन हो गया है। ठीक है, 0% इसकी बैटरी चार्ज है अभी, क्योंकि काफ़ी टाइम से डेड था ये, इसी वजह से ये पकड़ लीजिए। तो फोन देखिए ऑन ऑन हो गया है। ठीक है, देखिए M31 लिखा हुआ भी आ गया, बैटरी बिल्कुल ही डिस्चार्ज है। सामने आ जाइए, बैटरी बिल्कुल ही डिस्चार्ज है, जिस वजह से ये थोड़ा सा टाइम लेगा। वीडियो में बने रहे, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, ये देखिए प्रॉपर्ली अभी 1.8 की चार्जिंग भी लेने लग गया है। ठीक है, और फ़ोन भी मैंने बूट कर दिया है, चेक करवाता हूँ आपको मैं, इधर दिखाइए। ये देखिए बिल्कुल 0% चार्ज है, तो जब 0% चार्ज रहता है तो फ़ोन तुरंत ऑन नहीं हो पाता है, कम से कम 1% बैटरी चाहिए होती है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए आप लोगों को। ये देखिए फ़ोन ऑन हो गया, देखिए 0% बैटरी चार्ज। ठीक है, तो इस फ़ोन में जो फॉल्ट था वो पावर सेक्शन से था, यानी पावर आईसी शॉर्ट थी इस फ़ोन के अंदर में। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि फ़ोन की इंटरनल शॉर्टिंग, मतलब आईसी की इंटरनल शॉर्टिंग होगी तो कैसे पता करेंगे और एक्सटर्नल शॉर्टिंग होगी तो कैसे पता करेंगे। अगर आईसी आप रिमूव करते हो, बॉल पैड के वजह से शॉर्टिंग हो रही है, तो आप वही आईसी फिर से लगा के देख सकते हैं। लेकिन अगर आप आईसी निकालते हैं और कोई बॉल आपस में कनेक्टेड नहीं है और शॉर्टिंग तब चली गई है आईसी निकालने से, तो आईसी ही शॉर्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो को प्रॉपर्ली अगर आप देखेंगे तो आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ़ोन ऑन हो गया है। तो मेरा मकसद ये रहता है वीडियो में कि आपको कन्फर्म नॉलेज मिले, जिससे कि आप कन्फर्म रिपेयरिंग कर सके। ठीक है, और अपना नॉलेज आप इसी तरीके से बढ़ा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने लाइक कमेंट से अपना प्यार जाहिर करें। ठीक है, और जिन भाइयों को मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना है, चाहे वो फ्रेशर हो, कुछ भी नहीं आता है, वो भी हमारे यहाँ आकर सीखेगा। ठीक है, फ्रेशर का बैच भी होता है और एक्सपीरियंस का बैच भी होता है, यानी दोनों ही
तरह के स्टूडेंट्स को यहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है। ठीक है, देखिए अभी ये 0% एक 1% हो गया। ठीक है, 1% चार्ज हो गया यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, और चार्जिंग स्पीड यहाँ देख लीजिए आप, ये चार्जिंग स्पीड 9 वोल्ट और 1 एम्पियर का भी ले रहा है। ठीक है, ये देखिए, मुझे इसका पासवर्ड नहीं मालूम है, वरना आपको अंदर की टेस्टिंग करके भी दिखाता। ठीक है, तो मैं हिमांशु कुमार आप सभी से इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे हम दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।